दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 18 जनवरी से सरकारी आवासीय स्कूलों में होगी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हां, झारखंड के सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। विभागीय सचिव राहुल शर्मा के अनुसार मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। खबर है बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार। दोस्तों बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पीकर को कहा कि आप हाईकोर्ट में ही अपना पक्ष रखें। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी गई। खबर है झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 14 जनवरी को पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड वासियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 14 जनवरी को झारखंड पहुंचेगी 50,000 कोरोना वैक्सीन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। इस ऑनलाइन लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी की सुबह 10 बजे लॉन्च करेंगे कोरोना वैक्सीन। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए रांची में 175 बूथ सेंटर बनाए गए हैं। सबसे पहले 25,000 हेल्थ वर्कर्स को इस कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। खबर है गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च। नितिन गडकरी ने कहा एक गाय से होगी 10,000 की कमाई। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया। पेंट की इस इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को खादी ग्रामोद्योग ने तैयार किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि आज़ादी के बाद 30% लोगों का पलायन बड़े शहरों की तरफ हुआ। मजबूरी में रोजगार की कमी के कारण ये लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की तरफ आए और ये सब गरीबी के कारण हुआ। उन्होंने कहा हमारी सरकार ग्रामीण आदिवासी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। गांव में तकनीक आए और वहां के शिक्षा केंद्र मजबूत हों। खबर है तय वक्त पर आयकर न भरने वालों को CBDT की चेतावनी, देना होगा जुर्माना। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीखों के विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे सभी करदाताओं की उम्मीदों को खत्म करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में अनिश्चित काल देरी नहीं की जा सकती। इससे कर विभाग की कार्यप्रणाली सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस निर्णय का अर्थ यह है कि व्यक्तिगत करदाता जो रिटर्न भरने के लिए 10 जनवरी की समय सीमा से चूक गए हैं उन्हें अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है।